नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई चैनल में, हूं गोपाल झा। आज खास पेशकश में हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, समाज की बात नहीं करेंगे और किसी सामाजिक बुराइयों की भी बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ आपकी, क्योंकि ये जो जीवन है वो आपके लिए और मेरे लिए और हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है। सवाल यह है कि जीवन को हम किस तरह व्यतीत करते हैं। हर आदमी पैसे की तरफ भाग रहा है, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल इस तरह का जो समाज हमारा है, धीरे धीरे पश्चिमी संस्कृति की तरफ हम भाग रहे हैं, लेकिन मूल की तरफ लौटने की अब जरूरत है। जिस तरह से धीरे धीरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर जैसे जीवन जीने की कला जो लोगों ने सीखना शुरू किया है, तो हमें लगता है कि चूंकि हम जीने की कला भूल चुके थे और उसके दुष्परिणाम जब सामने आने लगे, तो हमें लगा कि नहीं, अब जीने की जो कला है जो प्रकृति ने हमें दिया है उसको सीखने की जरूरत है। तो आज हम बात करेंगे आखिर क्यों भूल गए जीने की कला। खास पेशकश में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़े तीन प्रतिनिधि, खासतौर पर श्रीमती कैलाश कंवर जी हमारे साथ हैं, जो आर्ट ऑफ लिविंग के बारे में बहुत तरीके से बताएंगे, जीने की कला बताएंगे हमें। साथ में है सुखपाल सिंह जी, जो काफी लंबे अरसे से आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से जुड़े हुए हैं, और साथ ही कृष्ण श्याग जी हैं हमारे साथ, जो अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक के तौर पर काम कर रहे हैं लेकिन पूरी तरह से जीने की कला सिखाने को लेकर समर्पित हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आपसे करेंगे इस चर्चा का कि आखिर कहते हैं कि जीने की कला, आखिर वो कला है क्या? जीने की कला एक साधारण सी बात है, प्रसन्नतापूर्ण जीवन जीना, मुस्कुराहट के साथ जीवन जीना। और अगर हम इसको देखें अच्छी तरह से और इसके बारे में इसका बैकग्राउंड और ये बताऊं मैं पहले, सबसे पहले तभी आगे बढ़ पाएंगे जी। तो हमारे व्यक्ति विकास केंद्र है और आर्ट ऑफ लिविंग के जो संस्थापक है वो पूज्य गुरु जी श्री श्री रविशंकर जी है, और उन्होंने ये आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना 1982 से की। आज ये 152 देशों में और 154 देशों में तकरीबन काम कर रहा है, और उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, और हम सब टीचर्स के जीवन का भी एक ही उद्देश्य है कि किस तरह से लोगों को मुस्कुराहट के साथ जीवन जीना सिखा। गुरु जी से किसी ने पूछा कि आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, तो गुरु जी ने भी यही बताया कि मेरे जीवन का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कुराहट है, और इसी ध्येय को लेकर के आर्ट ऑफ लिविंग आज काम कर रहा है। और आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्गत अनेक ऑर्गेनाइजेशन है, अनेक शिविरों का और कैंपों का आयोजन किया जाता है जिनके माध्यम से जीने की कला को हम सिखाते हैं। वैसे तो हर व्यक्ति जी रहा है और हर एक का बेहतर ढंग से जी रहा है, लेकिन वास्तव में खूब बुक्स पढ़ते हैं हम, खूब काम करते हैं, लेकिन जीवन क्या है इसको कभी नहीं देखा। बस जीवन को देखना और अपने लिए जीना और एक मुस्कुराहट के साथ जीना, सबसे पहले अपने को प्यार करना, फिर दूसरों को प्यार करना, और इस मुस्कुराहट के साथ जीना ही एक जीवन जीने की कला है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं और जिसको लेकर के हम कुछ कैंप वगैरह का आयोजन करते हैं। यहाँ पर कैंप में भी कुछ ज्यादा नहीं है, बस सब आपको पता है कि किस तरह से जीना है, लेकिन इसमें कुछ बिखरे बिखरे मोती है ज्ञान के, जिनको कि हम एक सूत्र में गुरु जी ने पिरोया है, और उसको फिर 6 दिन का ये कैंप होता है, तो इसमें एक सूत्र में पिरो के और अलग अलग ढंग से हम लोगों को सिखाते हैं। हम लोग खुद भी सीखते हैं, ये एक इंटरेक्शन है जिसमें हम खुद भी सीखते हैं और उनको भी सिखाते हैं। तो बस प्रसन्नतापूर्ण जीना, किस तरह से प्रसन्नतापूर्ण जिए, इसके लिए कुछ योगा प्राणायाम भी है इसमें, और इससे भी ज़्यादा आगे और भी कुछ है कि जीवन में बहुत से सुंदर कुछ जुड़ सके, संबंधों में मधुरता आ सके, तनाव कम हो सके। आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हर कोई स्ट्रेस में जी रहा है, और उसको किस तरह से वो इससे निकल सके और अच्छी तरह से अपने जीवन को आगे बढ़ा सके, इस ध्येय को लेकर के मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ सके, इस ध्येय को लेकर के हम ये जीवन जीने की कला काम कर रहे हैं और सिखाते हैं। सुखपाल सिंह जी, आपका जुड़ाव कैसे हुआ इस संस्था से और अब क्या कर रहे हैं आप? अभी तो सर मैं केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 वायुसेना एयरफोर्स शूटवेयर में एज ए टीजीटी इंग्लिश कार्यरत हूँ। तो बचपन में ही मेरा आध्यात्मिकता की तरफ बहुत रुझान था,
जैसे आई पासड आउट फ्रॉम सैनिक स्कूल इन 1993, वहां से जब मैं चंडीगढ़ गया तो उस समय एक नया वातावरण में मैं गया, तो मेरे मन के अंदर ये रहता था कि जीवन का वास्तव में उद्देश्य क्या है। तो इस प्रकार मैंने 95 के अंदर ओशो की बुक्स को पढ़ना शुरू किया और 96 के अंदर मैं ओशो का संन्यास लिया, उनका मैंने सतत ध्यान करता रहा। फिर 98 के अंदर श्री श्री रविशंकर जी चंडीगढ़ आए, तो उनका सत्संग था, तो जैसे मेरी रुचि थी तो मैं भी उस सत्संग के अंदर गया। तो जब गया तो जैसे उस आए श्री श्री रविशंकर जी, तो मैं बैठा था आंखें बंद किए हुए, तो बिना किसी कारण के मेरी आंखों में आंसू आने शुरू हो गए और एक ऐसा एहसास लगा कि जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। फिर हम उसके बाद कुछ देर सत्संग किया, फिर सभी हम उनसे मिले, एक बार मिले, फिर मेरे मन के अंदर और रुचि हुई पैदा हुई। फिर मैं दूसरी बार फिर उनसे मिला तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला, हाँ कैसे हो तुम। तो जब मैं वापिस आके कुछ क्षण के लिए बैठा तो मुझे एहसास हुआ कि ओशो में और श्री श्री रविशंकर में बिल्कुल भी भेद ही नहीं है। और जैसे मैं ओशो को सुनता था, ओशो का निरंतर मैं ध्यान प्रक्रिया करता था, डायनामिक मेडिटेशन सब प्रकार की, तो उनका जब गुरु के बारे में जब भी संदेश आता था तो वो सदा ये कहते थे कि सदा जीवित सदगुरु के पास जाओ। और श्री श्री रविशंकर जी से मिलने के बाद वो मुझे बार बार वो चीजें रिलेट होती थी कि अगर मैं वास्तव में इनका सन्यासी हूँ तो उनका जो वास्तविक देशना यही है कि जीवित सदगुरु के पास। फिर वहां पे मैंने 99 के अंदर श्री श्री रविशंकर जी का कोर्स किया, तो अद्भुत लगना ही था क्योंकि दोनों में ध्यान प्रक्रिया जो मूल उद्देश्य है खुद को जानना वो एक ही था। फिर ऋषिकेश एडवांस कोर्स किया जिसके अंदर 4 दिन का मौन ध्यान शिविर होता है, उसमें भी मुझे बहुत गहरा आनंद आया। फिर उस दौरान मेरे श्री श्री रविशंकर जी से बातचीत भी एक दिन हुई कि मैं इस प्रकार ओशो सन्यासी हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे कभी बंधन में नहीं बांधा, बोले हाँ हाँ अच्छी बात है। पर धीरे धीरे मुझे इस चीज का और गहरा एहसास होता गया कि रविशंकर जी और ओशो या और कोई भी एनलाइटन मास्टर्स वो बेसिकली डिफरेंट है। और उसके बाद मैं ऐसा अभी जुड़ा हूँ कि वो जो चीज खुशी मुझे मिली है वो बाकी लोगों में बांटने का मन कर रहा है और स्टूडेंट लाइफ से ये चीजें कर रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छा, आप अपना संस्मरण सुनाइए, आपका कैसे जुड़ा हुआ? मेरा जुड़ाव तो मेरे सामने जो बैठे हैं इनकी वजह से ही हुआ। सुखपाल जी ने काफी समय तक मेरे को इस कोर्सेज के बारे में कहा, पर वो जैसे आप बता रहे हो कि हर आदमी सोचता है कि किसी के पास टाइम नहीं है, फिर भी मैंने इन्होंने करीब 4 साल तक मुझे लगातार कोर्स के लिए बोला कि अब कोर्स हो रहा है इस बार में, और कभी मैंने ना भी नहीं किया और मन भी नहीं बनाया। आखिर में फिर कोर्स किया और थोड़ा सा ऐसा संयोग हुआ कि मेरी रीढ़ की हड्डी में टीबी हो गई, तो मैं थोड़ा परेशान रहने लग गया और चलना फिरना मुश्किल हो गया था। तो मैंने, हम पड़ोसी भी हैं, सुखपाल सिंह जी से कहा कि आप मेरा कोई इलाज करवाइए, सीटी स्कैन या जो भी है। फिर उनका एक कोर्स है आर्ट ऑफ लिविंग का, वो आप कर लो। मैंने कहा मेरे से चला ही नहीं जा रहा है और आप कोर्स की बात कर रहे हो। उन्होंने एक ही बात कही कि ठीक होने की मैं गारंटी नहीं लेता, पर खराब इससे ज्यादा नहीं होगी, अब कौन सा आप आराम से हो। ऐसी हालत में मेरे को लेके गए और 4 दिन का DSN कोर्स था, दिव्य समाज निर्माण, उसमें बैरियर्स तोड़ने का और का काफी कुछ फिजिकली एक्सरसाइज भी होती है। ऐसी स्थिति में मैंने किया, तो वही बात मेरे को भी लगा भी किसी भी स्थिति में आदमी जब संभलना चाहता है तो संभल सकता है। उस दिन के बाद में फिर मैंने इस चीज को थोड़ा आगे एज ए वॉलंटियर बढ़ाना शुरू किया। जैसे ये कोर्सेज लेते थे तो इनका वॉलंटियरशिप किया, जानकार लोगों को बताया, फिर पैसे से शिक्षक हूँ तो स्कूल में सभी जहाँ पोस्टिंग थी उसमें बड़े बच्चों को करवाया। संयोग से क्या है कि इसमें हर एज के लिए कोर्सेज है, उसके परिणाम बड़े अच्छे आए कि मतलब जो अनुशासन बच्चों में कई बार जो है हम बाई फोर्स लाना चाहते हैं वो ऐसा नहीं था, सारा काम अपने आप करने लगे। धीरे धीरे फिर स्टाफ को करवाया, फिर थोड़ा चेंज हुआ पोस्टिंग और पूरी तहसील की जिम्मेवारी आई, तो फिर मैंने जो टीचर्स ट्रेनिंग होती है हमारी उसमें थोड़ा सा नव चेतना का वैसे कोर्स भी होता है उसमें ये बताना शुरू किया। फिर इनसे टाइम लिया और कुछ मतलब करीब पीलीबंगा में रहते हुए 100 से ज्यादा टीचर्स को करवाया और उसका परिणाम भी सकारात्मक निकला कि उससे टीचर्स में भी जिम्मेवारी लेने की क्षमता बढ़ी और वही काम जो है
इस समय भी कर रहा हूँ, जैसे भी कैंप लग रहे हैं आवासीय शिविर है उसमें जब भी मौका मिलता है तो जो सरकारी कार्य है उनकी प्रगति आदि की सारी विधिवत सूचना लेने के बाद में घंटे या आधे घंटे का चेतना शिविर लेते हैं, उसमें बताते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोई इतना बैरियर भी नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं है कि किसी को कोई नाम दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, कोई जाति बंधन कुछ भी नहीं है। इवन की जैसे ओमकार है या सूर्य नमस्कार है, इन पे कई बार अपने विवादों में आते हैं, तो यहाँ ऐसा कोई विवाद नहीं है। आप ओमकार कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो जैसे दूसरे धर्मों में कहीं आमीन है ओमीन है ऐसा जो सब अगले को ठीक लगता है तो छूट रहे हैं। इसी तरह से सूर्य नमस्कार है तो उसमें नाम लो तो बढ़िया है, नहीं लो तो। अब यही चीज जैसे एक फिजिशियन जो बताता है एक्सरसाइज के लिए तो वो करना पड़ता है, और यहाँ थोड़ा सा वही बात है कि तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है बैरियर। तो धीरे धीरे जैसे मैं टाइम निकाल पाता हूँ ऐसी कोई बात नहीं है, ऑफिस टाइम से आगे पीछे करके और जहाँ कहीं भी मौका मिलता है कोर्सेज ऑर्गेनाइज करते हैं तो थोड़ी वॉलंटियरशिप भी करते हैं, और इससे खुद को मतलब थोड़ी स्टेबिलिटी भी मिलती है और इसका पॉजिटिव जो है प्रभाव पूरे ऑफिस में भी होता है। मेरे ऑफिस के कर्मचारियों को भी मैंने करवा दिया, ये मैंने क्या करवा दिया उन्होंने, उनको अच्छा लगा, जैसे अब आपको खुद को अच्छा लगा आपने करवा रहे हो उस तरह से। उससे फिर क्या है कि व्यक्ति काम करते समय उसको बोझ नहीं समझता और सहजता से सारे काम भी होते हैं और मैनेज भी होता है, मानसिकता बदल जाती है अपने आप। जी सर, जुड़ाव की बात हम कहते हैं, आपसे जुड़ाव की बात भी जानना चाहेंगे क्योंकि आपका भी प्रोफेशन अलग रहा, आपने जिंदगी भर पढ़ाया है हमारे देशों को कॉलेज में, और अब आप इस तरह से मतलब बिल्कुल क्षेत्र नया था ये, तो जुड़ाव कैसे हुआ आपका, ये आपसे भी जानना चाहेंगे। मेरा जुड़ाव भी पहले ही था कॉलेज में, जब थी मैं तभी से मैंने एक बारी गुरु जी की एक बुक आती है ऋषि मुख पत्रिका आती है मासिक पत्रिका, वो किसी के यहाँ देखी पड़ी, मैंने देखा और मुझे उसमें जो बातें थी वो जो लिखी हुई थी और वो बहुत अच्छी लगी, मैंने उसको बार बार पढ़ा और तब से मुझे लगा कि मुझे इनके पास जाना चाहिए, तब से ही मुझे लगा। उसके बाद में जब मेरे को मौका बहुत बाद में मिला कोर्स करने का, तो उसके बाद में जब यहाँ कोर्स हुए गंगानगर में, शोभा जी हमारी सीनियर टीचर आती थी तो मैंने उनसे कोर्स किया और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने तुरंत दूसरा जो उनका कोर्स हुआ उसमें भी बैठ गई जा रही थी, और तब से मुझे उनकी एक एक बातें जैसे नॉलेज पॉइंट है, पॉजिटिव वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड एक्सेप्ट द पीपल एंड सिचुएशन एज दे आर, तो मुझे एक एक बात इतना स्ट्राइक करती और मैंने उसको जीवन में उतारना शुरू किया। और जीवन में जब उतारना शुरू किया तो मुझे लगा कि अरे ये तो जीवन ही बदल गया बिल्कुल ही, ये तो मैं खुद को मैं अपने आप को बहुत शांत महसूस करने लग गई। और उसके बाद में फिर मैं कहीं रुकी नहीं, उसके बाद में मैं एक के बाद एक हमारे अनेक कोर्स होते हैं, जैसे ये तो अभी हैप्पीनेस कोर्स तो एक पहला कोर्स है, उसके बाद में जैसे BSN है दिव्य समाज निर्माण, तो उसमें बैरियर्स भी तोड़े जाते हैं आपके, और इसके अतिरिक्त आप समाज के लिए क्या करोगे, सेवा प्रोजेक्ट वो भी दिया जाता है। फिर जो है एडवांस मेडिटेशन कोर्स है, सहज समाधि कोर्स है कि किस तरह से मेडिटेशन में धीरे धीरे जाया जाए, कैसे सीखा जाए, तो ये मैं एक के बाद एक कोर्स करती रही और अहमदाबाद में चली गई गुरु जी के पास मिलने के लिए। और तो उसके बाद में मुझे ये फील हुआ कि एक्चुअल में मैं अब सही रास्ते पे हूँ और अब वास्तव में जीवन क्या है मैंने अब पहचाना है, वास्तव में क्या है जीने की कला सीखी। हाँ, उसके बाद में इतना जीवन बीत गया लेकिन अपने आप को पहचानने का और अपने आप को क्या करना है, कैसे आगे जाना है, किससे कैसे करना है, कैसे संबंधों में मधुरता को लाना है, किस तरह से हम आगे बढ़े, कैसे सेवा करें, कैसे अपने बैरियर्स तोड़े और दूसरों के भी तोड़े और किस तरह से दूसरों को भी सेवा में लाए, किस तरह से दूसरों के लिए हम कुछ कर सके, सब समाज के लिए कर सके, ये मैंने सीखा। और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती रही, लोगों को जैसे कोर्स कराना, मैं खुद गुरु जी की टीचर बनी, फिर कोर्स कराना, ऑर्गेनाइज कराना, इस तरह के कामों में, तो अभी तक मेरा ये मैं इसी रास्ते पे हूँ और जब तक हूँ तब तक इसी पे रहूंगी। शरीर जो है वो भी एक शास्त्र है, कहा जाता है कि शरीर भी एक शास्त्र है, तो इस शास्त्र को किस तरह परिभाषित करना चाहेंगे? शरीर शास्त्र है, बिल्कुल सही बात है ये भी, और
शरीर मन और ये आत्मा और इनसे शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार इनसे चलता है जी। हमारे यहाँ जैसे बताते हैं कि हमारा जो अस्तित्व है उसके 7 लेयर है, उसमें पहला शरीर है और शरीर पंच तत्वों से बना है, लेकिन शरीर काम कैसे करता है? शरीर मन के द्वारा काम करता है, मन पांचों इंद्रियों के द्वारा देखता है, काम करता है पांचों इंद्रियों के द्वारा। फिर शरीर बुद्धि के द्वारा काम करता है, बुद्धि बताती है कि यस नो क्या है, क्या करना है क्या नहीं करता है, करना है। फिर शरीर हमारा जो चित्त है उसके द्वारा कार्य करता है कि क्या हमें पहले अनुभव हुआ उसके अकॉर्डिंग हमें आगे क्या करना है और क्या नहीं करना है। मान लीजिए कभी हमने गर्म तवे को छू गया हाथ, तो जैसे ही गर्म तवा आता है हाथ उतर जाता है तो हमारी जो बताता है स्मृति बताती है अरे ये मत करो। फिर कुछ शरीर ईगो के द्वारा हम लोग काम करते हैं, तो शरीर इन सब जो हमारी जो लेयर है उनमें एक है, उनमें एक है। शरीर अपने आप में कोई अलग चीज नहीं है और इसलिए हम इन सबको इसमें स्टेप बाय स्टेप सबको साथ लेकर के चलते हैं और तभी हम अपने उस आत्म तत्व तक पहुंच पाते हैं। तो ऑटोक्लेव लिविंग में जैसे शरीर के लिए योगा है, श्वास के लिए, फिर शरीर श्वास से काम करता है, सबसे बड़ी बात तो श्वास ही है और श्वास के द्वारा ही हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। मन हरदम पास्ट फ्यूचर चलता रहता है, लेकिन जब हम श्वास पे काम करते हैं तभी हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। अभी जैसे मैं बोलूं कि अरे इधर सांप आ गया, तो सांप का सुनते ही हमारी श्वास कैसे चलने लग जाएगी, है ना, तेज हो जाएगी। इसी तरह से कभी हम बीमार हैं या दुखी हैं तो श्वास भारी हो जाएगी, है ना, जब खुश हैं तो श्वास एकदम सही अपने ढंग से चल रही है। तो इस तरह से इस श्वास पे जब काम करते हैं तो इसी के द्वारा हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं और तभी जब मन नियंत्रित है, मन कंट्रोल है, श्वास रूपी डोर के द्वारा मन रूपी पतंग को जब हम कंट्रोल कर लेते हैं तो फिर हमारा सारा ही जो सिस्टम है, सारी लेयर्स है, सारी है अपने आप कंट्रोल में, अपने आप बैलेंस में आ जाती है। तो मेन मुख्य मुद्दा यही है कि किस तरह से हम बैलेंस में आए, किस तरह से पूरी जागरूकता के साथ हम जीवन जिए और विपरीत परिस्थितियों में भी हम किस तरह से अपनी मुस्कुराहट को बनाए रखते हुए और आगे प्रोसीड अपने आप को प्रोसीड करें। तो यही हमारी आर्टोक्लेविंग। एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम लोग कैंप लगाते हैं आप लोग तो वहाँ पर खूब सारे लोग आते हैं और वहाँ पर एक बड़ा सवाल बड़ा रोचक होता है कि भाई यहाँ पर क्यों आए हो आप? तो कोई ना कोई प्रेरित करता है कि शुभ लोग चले जाते हैं, क्यों आए आप यहाँ पर? तो बड़े खूबसूरत जवाब भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, कटु भी, हर तरह के। एक कॉमन जवाब क्या होता है, आखिर लोग ऑटो लिविंग कोर्स करने के लिए क्यों जाते हैं, एक कॉमन जवाब क्या होता है लोगों का? कॉमन जवाब हमारे यहाँ होता है कि शांति प्राप्त करने के लिए, यानी हर आदमी अशांत है। सब लोग ऐसे ही बोलेंगे, कोई कहेगा अच्छा स्वास्थ्य चाहिए, है ना। तो तीन बात मैंने देखी है कॉमन में, अच्छा स्वास्थ्य और खुशी और मन की शांति, तीन चीजें तकरीबन लोग जो है 90% लोग यही बात बोलते हैं। तो इससे तभी तो ये हम पूछते हैं सबसे पहले कि आपको चाहिए क्या, आफ्टर ऑल आप यहाँ हो तो क्या चाहिए, है ना। तो फिर इससे पता चलता है कि हम अंदर से कितने अशांत, और फिर धीरे धीरे जब वो फर्स्ट डे बैठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, श्वास पे काम करते हैं, प्राणायाम सीखते हैं, तो बाद में जब लास्ट में मैं पूछती हूँ कि अब मन कैसा है, तो नेचुरली उनका जवाब होता है अच्छा है। और जब वो पूरा कोर्स कर जाते हैं उस दिन तो उनका जाने का ही मन नहीं करता है, है ना। उसके बाद में वो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत मन से वो सब लोग यही बोलते हैं कि यही चाहिए था, है ना। हालांकि जाके देखो संसार है, धीरे धीरे सब यही जीवन जीने की कला है। चलिए सुखपाल जी, आपको मैं देख रहा हूँ जब से आपसे मुलाकात हुई आप हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। हालांकि आजकल लोग हंसना भूल गए, जैसे अभी बता रहे थे कि हर आदमी शांति चाहता है और जो अशांत होगा वो हंसेगा नहीं, मुस्कुराएगा नहीं। तो आखिर ये मुस्कुराहट गायब क्यों हो गई हमारी?
बचपन में जैसे हम कहते हैं कि एक छोटा बच्चा 400 बार मुस्कुराता है, एक व्यस्क 19 बार, और जैसे जैसे हम और बड़े हो जाते हैं वो मुस्कान गायब हो जाते हैं। एक तो जनरली का लाइफ के अंदर हमने ये सुना है, एक सिंसियर वर्ड होता है और एक सीरियस वर्ड। हम सीरियस वर्ड ज्यादा यूज करते हैं, अगर किसी से हम कहते हैं, बच्चे को भी कहते हैं तो सीरियसली पढ़, उसको हम ये नहीं कहते तो सिंसियरली पढ़। किसी से कोई प्रश्न भी पूछ ले, हम कहते हैं तो इसका उत्तर सीरियसली दे। मतलब सिंसियरिटी लाइफ में खो गई है, सिंसियरिटी की जगह रिप्लेसमेंट कहा आ गया सीरियसनेस। फिर जैसे जैसे कई बार हमको लगता है कि जो मेरा स्टेटस है अगर मैं मुस्कुराऊंगा तो लोग मेरे को अहमियत नहीं देंगे, तो इसलिए गंभीर बन के बैठे, हाँ, गंभीर रहो। फिर दूसरी बात, मन असहज है, जैसे मुस्कान क्या है, छोटा बच्चा मुस्कुराता रहता है, थोड़ी देर अगर उदास होगा लेकिन फिर वो मुस्कुराने लग जाएगा क्योंकि वो अभी सहज है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं आसपास की परिस्थितियां होती हैं, कुछ प्रेशर होता है, तो असहजता के कारण धीरे धीरे वो मुस्कान गायब हो जाती है। तो मुस्कान को हम कैसे लाएं, यानी सहज कैसे हो सकते हैं आपके हिसाब से? देखो मन जो हमारा है, किसके कहने पे हम कुछ भी काम करते हैं, मन के कहने पे करते हैं, यस और नो। तो जो मन है हमारा, शाम को हम सोचते हैं कि मैं सुबह उठ के एक्सरसाइज योगा प्राणायाम रेगुलर करूंगा, वही मन सुबह उठ के क्या करता है, इसको पोस्टपोन कर देता है। तो मन का कुछ स्वभाव है, जैसे हमको सब कुछ सीखने को मिलता है बचपन से लेके, लेकिन हाउ टू हैंडल अवर ओन माइंड, इस चीज की हमको कभी भी प्रशिक्षण नहीं दे देता। तो आर्ट ऑफ लिविंग का जो पूरा जो कोर्स है ये इसी के बारे में कि हमारा मन किस तरह काम करता है। किसी ने हमको 10 कॉम्प्लीमेंट्स दे दिए कि वाह तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारे अंदर ये गुण है, ये गुण है, जैसे उस व्यक्ति ने जाते जाते कहा यार तेरा नाक थोड़ा सा गड़बड़ है, तो हमारा मन किस चीज को पकड़ लेगा, उस एक नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट। तो मन को, ये मन की एक नेचुरल सी टेंडेंसी है, इट क्लिंग्स ऑन टू नेगेटिविटी। फिर मन का और स्वभाव क्या है, हमेशा ही भूतकाल और भविष्य में सोचता रहता है, नेचुरल स्वभाव है ये हर व्यक्ति के साथ है। और भूतकाल के बारे में हम वो चीजें सोचते हैं जो अच्छी नहीं हुई, भूतकाल में अच्छा भी बहुत कुछ हुआ है, जॉब लगा मेरा, हम उसको कभी याद करके खुश नहीं होते कि वाह मेरा उस समय जॉब लगा था। लेकिन पास्ट में जो चीजें थोड़ी सी हमारे अनुसार नहीं हुई, मन उन्हीं चीजों को याद कर करके बार बार दुखी होता है। हम एक जोक के ऊपर बार बार नहीं हंस सकते, ये जोक तो सुना हुआ है, सुना हुआ है, लेकिन एक ही बात को बार बार हम याद करके दुखी हो जाते हैं। फिर जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो उस समय लगता है अनसर्टेनिटी, एक फियर रहता है कि अगर ऐसा हुआ तो, ऐसा नहीं हुआ तो। और जब हम जैसे जैसे हम प्राणायाम ध्यान साधना करते हैं तो मन वर्तमान में रहने लग जाता है, अभी अभी आपके साथ है तो 100% मैं यही हूँ। और जब हम 100% एक पल में जीने लग जाते हैं, पल पल, तो मन खुश रहता है, तो मुस्कान बनी रहती है। सही है, चलिए अब आपसे जानना चाहेंगे सियाग साहब कि जैसे अभी बात हो रही है, चलिए जीवन की बात कर रहे हैं, जीने की कला भी हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन आजकल व्हाट्सएप पे बहुत अच्छा सा ज्ञान भी आता है, ये अलग बात है कि हमारे जैसे लोग उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, उसका भी ठीक है पढ़ के और उसको आगे खिसका देते हैं। एक बहुत अच्छा आया मैसेज कि हमारा जो हमारी औसत उम्र है वो है 60 साल 65 साल, उसमें बताते हैं कि साहब अगर 65 मान लीजिए, 60 ही मान लेते हैं तो 30 साल तो हम सोए रहते हैं, यानी रात के समय जो भी, तो इस तरह से बचत करके देखा तो वास्तव में बाद में 10-15 साल हमारे हिस्से आ गया। उस 10-15 साल में हम जीवन को समझ ही नहीं पाते कि जीवन है क्या। अब टाइम मैनेज की बात मैं करना चाह रहा हूँ कि जो छोटी सी उम्र में छोटा सा जीवन है उसको हम बेहतर तरीके से कैसे जिए, यानी टाइम मैनेज बहुत जरूरी है, 24 घंटे को हम किस तरह किस अंतराल में बांटे उसको ताकि हमारी जीवन जो है ना हमारा जीवन बेहतर हो सके, तो किस तरह टाइम मैनेज समझाना चाहेंगे आदमी को, एक आदमी के, जैसे मेरी बात कर लीजिए, मेरे पास ये 24 घंटा है, काम मैं 8 घंटे करता हूँ, 10 घंटे करता हूँ, उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ, तो मुझे किस तरह बेहतर जीवन जीने के लिए किस तरह टाइम मैनेज करना चाहिए? मैं सबसे पहले मेरे ऊपर ही लेता हूँ कि मैं जब, अच्छा मेरी नहीं सुनाएंगे आप, मेरा खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं जब HM या प्रिंसिपल होता था, एक स्कूल होता था, और जैसे ही 15 अगस्त या 26 जनवरी का जो फंक्शन होता था उसमें थोड़ा दिन पहले लगता कि मैं क्या बोलूंगा क्या करूंगा, डायरियों में बड़ी बड़ी कोटेशन स्वीट मार्टिन और ये पढ़ता रहता था, रटता रहता था, और वहाँ जाके ऐसा लगता कि कुछ हुआ ही नहीं। इस तरह से मतलब एक छोटा सा एड्रेस करने के लिए इतना मैनेज
करने के लिए इतनी मशक्कत करनी पड़ती थी और धीरे धीरे इस आर्ट ऑफ लिविंग के जो विभिन्न प्रकार के कोर्सेज किए तो इनमें टाइम मैनेजमेंट का भी एक बकायदा चैप्टर है उसके हिसाब से, क्योंकि बहुत सारी वही चीज कि जैसे प्रिंसिपल है या बीओ है या डीओ है तो ये हो गया तो इनके पास बहुत काम होगा या ऐसा होगा कि नॉर्मली व्यक्ति खुद भी अपने विचारधारा बना लेता है और दूसरे लोग जैसे आप हैं आपको भी लग रहा होगा कि एक जिला शिक्षा अधिकारी का कार्य देख रहा है तो कैसे काम या कैसे टाइम निकलता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक स्कूल में होता था तो बहुत बार मन में महीने में एक दो बार ऐसे आता कि स्कूल आज जाए या नहीं जाए, काम चल जाएगा यहीं से फोन करके, और फिर और जब से इनमें जैसे रेगुलरिटी रखी है थोड़ी तो कभी भी मैं मतलब आप ये सोचें कि 90% जो वर्किंग डेज है उनमें हर दिन मैं मौजूद रहता हूँ। और कई बार ये प्रयास भी रहता है जैसे छुट्टी पे भी हूँ तब भी थोड़ा राउंड लगा लिया कि किसी का कोई काम है हो रहा है तो अच्छी तरह से मैनेज हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है कि समय किसी को नहीं मिले। एक दो एग्जाम्पल मेरे खुद के ही दूंगा कि जैसे यहाँ इस बार जो है ये जो बीएड करने वाले प्रशिक्षणार्थी थे उनकी ड्यूटी जो है हमारे द्वारा लगाई जानी थी और उनको सरकारी स्कूलों में शिक्षण कार्य के लिए भेजा जाना था ताकि आगे वो कुछ कर सके। आप ये मानिए कि 4,500 स्टूडेंट थे और उन सबको मैंने अपने फोन नंबर दिए, उनके मैनेज के हिसाब से एक दो साथी साथ में थे कि उनकी ड्यूटी लगा दी, उनसे पूछ लिया, वो फोन करके पूछते हैं कि आज सर आप हो गया यहाँ, जैसे कोई भादरा का बच्चा है तो मैंने कहा हाँ है। और कई बार एप्लीकेशन वो नहीं दे पाता था तो जैसे व्हाट्सएप पे उनसे ले ली एप्लीकेशन और कंप्यूटर से निकाल ली। इतना काम करते करते ऐसे नहीं लगा कि ये कोई बहुत भारी काम है या और है, और ये ग्राम पंचायत सहायक की जो अभी चल रही है ये भी मेरे कार्यालय में हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम ये कह दें कि मेरे पास समय नहीं है, इसके बाद में भी आप देख ही रहे हैं जब भी समय मिलता है तो मेरी जो प्राथमिकताएं हैं वो सरकारी सेवा के साथ साथ इसमें ये आर्ट ऑफ लिविंग भी शामिल है और इसके लिए और मेरी जॉब के लिए मुझे कभी इस संस्था से जुड़े रहने के बाद में कोई शिकायत नहीं है कि मेरे पास समय नहीं। चलिए एक प्रकृति की बात हम लोग कर रहे हैं कि प्रकृति से हम जितना दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि शरीर भी प्रकृति से जुड़ा हुआ है, सब कुछ जो हम देख रहे हैं पूरा जो समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि पिछले 3-4 दशक में प्रकृति से हमारी दूरी बढ़ती गई, हम आधुनिकता के अंधी दौर में बढ़ रहे हैं और जो जो प्रकृति से हमारी दूरी बढ़ती जा रही है हम परेशान होते जा रहे हैं, आखिर प्रकृति की तरफ हम कैसे लौटें, क्या कोई रास्ता है? प्रकृति की तरफ लौटना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। वैसे तो व्यक्ति और प्रकृति एक दूसरे से मतलब भिन्न है ही नहीं जी, है ना। व्यक्ति प्रकृति में जब लय होता है तभी अपने आप को पहचान पाता है। तो लेकिन इसमें जैसे जैसे प्रकृति से दूर होते हैं हम असहज होते जाते हैं, है ना, और हमारे शरीर में विकार उत्पन्न होते जाते हैं, मन में विकार उत्पन्न होते जाते हैं। इसलिए जरूरी है कि नेचर को हम ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहन दें और इसलिए इसके लिए आर्ट ऑफ लिविंग होंगे प्लांटेशन वगैरह का कार्यक्रम निरंतर हमारे यहाँ चलता रहता है। वहाँ पे हमारे जो इंटरनेशनल आश्रम है वो सुंदर प्रकृति का एक सुंदर उदाहरण है और उसमें प्रकृति को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के, जीरो बजटिंग को लेकर के अनेक कार्यक्रम होते हैं। जैसे और जब हमारा कोर्स होता है एडवांस मेडिटेशन कोर्स, उसमें भी नेचर के पास रहने के लिए हमें भेजा जाता है। ठीक है। और जैसे ऋषिकेश में हम जाते हैं तो गुरुजी कई बार वहाँ भेज देते हैं कि जाओ गंगा के किनारे बैठो और सिर्फ पानी को देखना और कुछ नहीं करना। तो पानी को देखते 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 मन भी बह जाता है, मन के विकार भी बह जाते हैं, मन भी निर्मल हो जाता है। निर्मल हो जाता है। तो जरूरी है कि हम पानी हमें निर्मल होना सिखाता है। हाँ, पानी सिखाता है, प्रकृति हमें सहज होना सिखाती है। आज जितने भी प्रकृति से हम दूर होते जा रहे हैं इसीलिए हम असहज हैं, सहज नहीं है इसीलिए। तो इसलिए जरूरी है कि हम नेचर के पास ज्यादा से ज्यादा रहें, ज्यादा से ज्यादा नेचर को प्रोत्साहन दें, उसके लिए हम प्लांटेशन वगैरह करें और बच्चों को स्पेशली ये है कि नेचर के पास रखें, नेचर वॉक करें, हम सुबह घूमने के लिए जाएं, देखें पौधे कैसे काम कर रहे हैं, चिड़िया कैसे चहक रही है, किस तरह से, तो कितना मन एकदम शांत होता है। तो मैं भी बच्चों को लेके जाती हूँ कई बारी और बच्चे जब देखते हैं तो एक एक चीज देखते हैं, देखो ये वो चिड़िया कैसी है, वो चिड़िया कैसी है,
और नेचर वॉक के लिए अक्सर मेरा तो बहुत ही प्रेम है, मैं बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से जुड़ी हुई हूँ, तो मैं जैसे मलेशिया है, केनिया है, ऐसी जगहों पर सिर्फ नेचर के लिए ही जाती हूँ सिर्फ। और मैंने फील किया है कि जितना हम नेचर के पास रहेंगे उतना ही सहज रहेंगे, उतना ही हमारा जो ईगो है और ये सब डिजोल्व होता जाएगा और उतना ही हम अपने आप को ज्यादा समझ पाएंगे। इसलिए नेचर और इंसान बिल्कुल अलग हो ही नहीं सकते, जितना इंसान नेचर के नजदीक रहेगा उतना ही एक श्रेष्ठ सृष्टि का निर्माण होगा। सुखपाल जी, अभी हम नेचर की बात कर रहे थे और उसमें एक बात आ गई कि लोग, आपने भी कहा और सबने कहा कि वे सहज नहीं रह पाते हैं। अगर हम मानवीय जो स्वभाव है वो हमेशा असहज रहता है कि हम सोचते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा और जो वर्तमान है उसमें हम जीना नहीं चाहते हैं, वर्तमान को समझना नहीं चाहते हैं, हमेशा या तो भूत को याद करते हैं जैसे आपने कहा या फिर भविष्य की ओर। एक ईगो प्रॉब्लम की बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, परिवार में जो घुटन सी महसूस होती है। आज हम देखते हैं कि पारिवारिक जो न्यायालय है वहां पर इस तरह के मामले लंबित होते हैं जहां पर छोटी छोटी बात के लिए झगड़ा होता है, यानी लोग भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं। सीधा तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे एक साथी है बागड़ी भाषा बड़ा अच्छा कहते हैं कि एड्स को इलाज है और वहम को इलाज को नहीं। तो वहम का इलाज जो है ना वो संभव नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ जब आर्ट्स ऑफ लिविंग की बात करते तो वहां तो इलाज होना ही चाहिए कोई ना कोई। तो इस वहम का क्या इलाज है आर्ट ऑफ लिविंग में, ये बताइए। जब हम जीवन जीने की कला बात करते हैं तो उसका सीधा उद्देश्य है कि खुद को जानना, कि अभी तक जब तक हम खुद को जानते ही नहीं है। आप मेरे बारे में कुछ भी कमेंट करें, अगर मैं खुद के बारे में जानता कि मैं ऐसा नहीं हूँ तो आपका कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव कमेंट मेरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। अगर मुझे पता है कि मैं इस चीज में बहुत अच्छा हूँ तो आप कितना भी कहेंगे तो मैं उस चीज को सहजता से स्वीकार करूंगा। तो जब हम आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स करते हैं तो खुद को जानते हैं, और जो वहम क्या है, खुद का मिसकंसेप्शन, जब हम खुद के बारे में नहीं जानते तो हम एक छोटी सी दुनिया में रह रहे हैं। जब हम कोर्स करते हैं तो हमको पता लगता है कि जीवन इस छोटी सी दुनिया सोच से भी बहुत ज्यादा विस्तार है, अंतरिक्ष तक है। हाँ, फिर देखो कि जब हम कोर्स की सिस्टम को रिलेट करें, कोर्स में कैसी चीजें दूर हो सकती है। कोर्स के अंदर जैसे 7 लेयर्स का बात किया हमने, 7 लेयर्स पे ऊपर काम होता है। फिर जो सुदर्शन क्रिया है जो इसका कोर सेंट्रल चीज है, तो क्योंकि जीवन में कुछ चीजें हम संस्कारवश लेके आए होते हैं, कुछ चीजें हमारी दमित भावनाएं हैं, दमित विचार है। हर समय हम अपना गुस्सा व्यक्त नहीं कर सकते, अपने सबॉर्डिनेट्स पे कर सकते, अपने बॉस पे नहीं कर सकते। तो वही जो दमित चीजें हैं वही अंदर हमारे तरह तरह के विकार पैदा कर देती है, भ्रम पैदा कर देती है, खुद के बारे में बहुत अच्छा भी पैदा कर सकती है और बहुत नेगेटिव भी पैदा कर सकती है। तो सुदर्शन क्रिया भी, जैसे आपने अभी प्रकृति का बात की कि जैसे हम खुद के करीब जाते हैं वैसे हम करीब चले जाते हैं, तो भी एक सहज लय है। जैसे पूरी प्रकृति एक लयबद्धता में काम कर रही है, सुबह सूर्योदय हुआ, समय पे वर्षा आई, अलग अलग प्रकृति एक रिदम में है। इस प्रकार हम भी एक रिदम में काम कर रहे हैं। तो सुदर्शन के लिए जब हम करते हैं 2 दिन इसमें होता है प्रोसेस, तो सहज ही अपने जो दमित भावनाएं सप्रेस्ड इमोशन से रिलीज हो जाते हैं और मन ऐसा हो जाता है जैसे हम कहते हैं कि नया हो गया बिल्कुल। और जो हमारा दृष्टिकोण है, जैसे सुदर्शन मतलब प्रॉपर विजन, और जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जब हमारा दृष्टिकोण ही बदल जाता है तो खुद के वहम तो वैसे दूर हो जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और सियाग साहब, लास्ट में हम जानना चाहेंगे, जब हम कैंप की बात करते हैं, शुरुआती कोर्स हम लोग करते हैं 6 दिन का, तो उसका शुल्क भी है। कई जो एक फीडबैक है समाज में कि कहते हैं साहब ये जो 500 रुपये लेते हैं ये किस लिए लेते हैं, और कई लोग तो ऐसे जो पढ़े लिखे लोग हैं जो, हालांकि वो मेरा, अगर मेरे से व्यक्तिगत कोई बात करे तो मैं तो यही कहूंगा कि देखो 6 दिन का जो कोर्स जब आप कर लेंगे तो आपको लगेगा कि आपको तो सब कुछ आसानी से मिल गया, 500 रुपये का 5,000 रुपया, और खुशी की तो कोई, खुशी तो अनमोल है हम सब जानते हैं, लेकिन जो कि 500 रुपये पे काफी बात अटक जाती है, तो इसको कैसे दूर करेंगे। भाई 6 दिन का कोर्स करने के लिए 500 रुपये देना पड़ेगा, इसलिए भी कई लोग नहीं आते कोर्स करने के लिए, तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप। ऐसे लोगों के लिए आर्ट ऑफ लिविंग में यही कार्य है कि आप कोई भी काम करते हो, फॉर एग्जांपल आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा रहे हो, बहुत अच्छे फिजिशियन या सर्जन है, अगर वो अपनी कंसल्टेशन फीस नहीं लेंगे तो हम लोग नेचुरली है कि हम संतुष्ट नहीं होंगे उनसे। गुरुदेव ये कह रहे हैं कि जब सब चीजों की हर तरह से, मतलब एक
कंट्रीब्यूशन निर्धारित किया हुआ है, तो ये अध्यात्म के मार्ग में भी आप जो कुछ सीख रहे हो उसमें भी आप कंट्रीब्यूशन लो, और जो मोस्ट वैल्यूएबल टाइम है, सबसे बड़ी चीज, मोस्ट वैल्यूएबल टाइम आप इस रास्ते में लगाओगे तो उसका आउटपुट भी वैसा ही आएगा। और ये जो कंट्रीब्यूशन जो लिया जाता है वो आप ये मानिए कि इसका एक एक पैसा जो है लोगों के कल्याण के लिए लगता है, तो इसलिए हम लोग जो है इस चीज को टू वेरी फ्रेंकली बोल देते हैं कि इसका इतना कंट्रीब्यूशन है। फिर भी जैसे यही कोर्स आप 500 रुपए देके कर रहे हैं, यही ऑस्ट्रेलिया में मतलब हो सकता है इंडियन करेंसी के हिसाब से 10 या 15 हजार रुपए में कर रहे हैं, और वहां भी लोग कर रहे हैं ऐसे, जो कोई शिकायत नहीं है। इसी कोर्सेज को एकदम से जेलों में एकदम से वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है, रूरल एरिया में सिर्फ मात्र 100 रुपए रखा गया है। तो वास्तव में अगर कोई ये कहे कि मैं इसको पे नहीं कर सकता, या मेरे पास है ही नहीं, या उसकी आर्थिक ऐसी स्थिति नहीं है कि वास्तव में वो जो है इस कोर्स की या किसी भी कोर्स की कंट्रीब्यूशन राशि नहीं देता है, तो ऐसा एक भी व्यक्ति आज तक नहीं है कि जिसकी कोर्स करने की इच्छा हो और उसको इस वजह से मात्र जो है आर्थिक कंट्रीब्यूशन की वजह से कोर्स से बाहर किया हो, ऐसा नहीं है। जो बिल्कुल है उसको तो आप वैसे ही सिखा देंगे, कुछ जीवन जीने की कला ही सिखानी है, और क्या करना है। सही है, चलिए तो ये थी हमारी खास पेशकश। जैसे मैंने पहले कहा कि भूल गए जीवन जीने की कला, लेकिन अब आपको हम कहना चाह रहे हैं कि याद कीजिए जीने की कला। आज जीने की कला में हमने तमाम तरह के सवालों का जवाब हासिल किया है, और हम उम्मीद करें कि ये जो कार्यक्रम है आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा, और जो आपने सुना है उसको अगर आप क्रियान्वित करेंगे, जब आप योगा करेंगे, ध्यान करेंगे, और तन और मन के बीच जब आप सामंजस्य कायम करेंगे, तो शायद बेहतर जिंदगी जी पाएंगे आप। आप सब कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छा अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने, बहुत बढ़िया मार्गदर्शन दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।